वेलकम टू सरजी क्लासेस। सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग सेक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा। पहले मैं दो पार्ट में इसको कवर करूंगा। पहला यूनिट आपका रहेगा यूनिट्स वाला और दूसरा पार्ट रहेगा आपका मेजरमेंट वाला। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जेई क्लासेस आरआरबी जेई का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी आप एएलपी का एग्ज़ाम अच्छे से दे लीजिए। ये ख़त्म होने के बाद हम लोग दोबारा क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल से। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए इसमें हमें पढ़ना है यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्यों यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी हमें। तो देखिए सबसे पहले यूनिट्स का स्टडी करने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनका हम क्या करते हैं कि जिसको हम लोग क्या करते हैं कि वो मेजर करते हैं हम लोग यूनिट्स के टर्म में, तो उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसे क्वांटिटी जिसका हम क्या करते हैं मेजर्ड कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें देखिए जैसा आपका मास हो गया, चार्ज हो गया, तो ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन सब को मेजर करने के लिए हमें कुछ जैसे कुछ चीज़ का ज़रूरत होगी, क्या मतलब वैल्यू असाइन करें उनको। तो जो वैल्यू या कह लीजिए कि जो असाइन किया जाता है वही क्या होता है मेरा यूनिट्स होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स चाहिए, तो वही यूनिट्स के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखिए यूनिट को अगर डेफिनेशन दे तो इसका क्या होगा कि द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर इट। यानी कि ये एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो सिस्टम ऑफ फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं इनको मेजर करने के लिए क्या हुआ यूनिट्स का डिराइव हुआ, मतलब यूनिट्स का खोज किया गया, मतलब यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड डिफाइंड हुआ। तो उसी स्टेप्स में क्या हुआ कि जब ये यूनिट्स का स्टैंडर्ड जो तरीका खोजा गया मापने के लिए, तो वो इन्होंने जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वेरियस लेवल कंट्रीज पे सब मिल के इन्होंने क्या डिज़ाइन किया, सब अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट जो क्या हुआ वो डिफाइन किए। तो इस कैटेगरी में आप देखिएगा तो उनके अकॉर्डिंग क्या है ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बटा हुआ है अपना, कि जैसे क्या आपका पहला है एफपीएस सिस्टम है, दूसरा आपका सीजीएस सिस्टम है, तीसरा वाला आपका है एमकेएस सिस्टम है। तो देखिए जो एफपीएस वाला है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, और जो आपका सीजीएस सिस्टम है इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, क्योंकि वो फ्रेंच कंट्री के द्वारा मतलब वहाँ के जो साइंटिस्ट होंगे या जो कह लीजिए पर्सन होंगे वो उनके द्वारा ये किया गया था। तो अब आपको यहाँ पे जानना है कि इसमें से जो एफ है या पी है एस है इस सब का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे आपका एफ है तो इसका मीनिंग होता है फुट हो गया, और पी का पाउंड हो गया, और एस सेकेंड हो गया। तो ये ब्रिटिश सिस्टम में एफपीएस सिस्टम से जाना गया, तो एफ का हो गया फुट, पी का पाउंड हो गया, और एस का सेकेंड हो गया। और यदि हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सी का मतलब होता है सेंटीग्रेड, जी का मान होता है मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो इसको हमने क्या बोला मैट्रिक सिस्टम बोला गया। तो इसी को और नाम से भी बोला जाता है फ्रेंच सिस्टम से। तो ये याद रखिएगा कि मैट्रिक सिस्टम का नाम से किसको बोला जाता है तो वो सीजीएस सिस्टम होगा। तो ये भी आप बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका एक है एमकेएस सिस्टम। तो एम के सिस्टम में देखिए एम क्या होता है आपका मीटर होता है, के हो गया किलोग्राम, और एस हो गया सेकेंड हो गया। तो ये तीन आपका क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और यदि आप इन तीनों को देखिएगा तो आपको तीनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो ये आपको सेकेंड वाला मिलेगा। तीनों में क्या है सेकेंड कॉमन है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो उसमें आपका जो कॉमन टर्म मतलब कॉमन टर्म जो है वो कौन सा है, तो वो आपका क्या है सेकेंड है। तो ये आपका हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट का। बट ये क्या थे कि इतने सारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट होने के चलते क्या होता था कि लोगों को कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड के बुक कोई एम के सिस्टम फॉलो करते थे, कोई जो आपका अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पे सी जी एस सिस्टम फॉलो करते थे, कोई एम के एस फॉलो करते थे। तो इससे क्या होता था कि प्रॉब्लम होता था सभी को,
एक दूसरे कंट्री के लोगों का जो मापन होता था वो उन लोगों को दिक्कत होती थी। तो इसी के लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, कि ताकि क्या हुआ कि जो भी कन्फ्यूजन्स होते थे एमंग डिफरेंट यूनिट्स से, तो उस सब के लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल जो क्या होता है यहाँ पर कि डिजाइन किया गया, कि जितने भी मेजरमेंट होंगे वो क्या होगा सारे कंट्री के लिए कॉमन होंगे, तो उसी को ही SI यूनिट के नाम से जाना गया। तो देखिए SI यूनिट जो है आपका वो किससे लिया गया है ये भी याद रखिएगा। तो ये देखिए MKA सिस्टम से लिया गया है, दैट मीन्स मीटर किलोग्राम और सेकेंड, यानी कि जो आपका तीसरा वाला जो था इसमें जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, तो ये उसी से लिया गया है। तो SI यूनिट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे इसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए और जिससे क्वेश्चन बन सकता है हम लोग बस वही सिर्फ पढ़ेंगे। तो देखिए SI यूनिट हमारा किससे लिया गया है, तो ये MKA सिस्टम से ही लिया गया है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो SI यूनिट है आपका, यानी कि जो जब सभी लोगों ने मिल के जो स्टैंडर्ड जो यूनिट बनाया सभी के लिए जो कॉमन है, तो उन्होंने इसमें देखिए क्या हुआ, इसको दो कैटेगरी में बांटा। एक होता है, तो इसमें एक आपका है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा आपका है डिराइव यूनिट। तो देखिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या हुआ कि इन जो फंडामेंटल यूनिट है ये कितने होते हैं, तो ये टोटल आपके 7 बेसिक यूनिट होते हैं, ये याद रखिएगा। आपका जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये क्या हुआ कि ये 7 जो था ये फंडामेंटल यूनिट बनाया गया, और उसके बाद जो डिराइव्ड यूनिट है आपका ये क्या हुआ कि इन्हीं 7ों फंडामेंटल यूनिट का ही यूज़ करके उसी से डिराइव किया गया। तो डिराइव यूनिट क्या होगा, वो आपका फंडामेंटल यूनिट का ही वो पार्ट होगा, मतलब उसी से ही डिराइव किया गया। जैसे आपका स्पीड है, एरिया है, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन स्पीड, मास जो आपका हो गया यहाँ पर, लेंथ अपॉन टाइम हो गया इसका। तो जो आपका लेंथ है या मीटर हम लोग मेजर करते हैं, लेंथ का देखिए फंडामेंटल यूनिट में ही मिल जाएगा, टाइम आपका है तो वो फंडामेंटल यूनिट में ही मिल जाएगा। तो यानी कि जो स्पीड आपका है वो क्या हुआ, किससे डिराइव हुआ है, ये तो फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव हुआ है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल यूनिट टोटल कितने होते हैं, तो ये 7 होता है, और इसके अलावा देखिए 2 और सब फंडामेंटल यूनिट होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। एक आपका हो गया प्लेन एंगल हो गया, और दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। तो इसमें देखिए आपसे सभी का यूनिट पूछेंगे, कि जैसे कि प्लेन एंगल है आपका तो इसका यूनिट क्या होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है इसका यूनिट क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है, तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा जो आपका फंडामेंटल यूनिट है इन सभी का यूनिट भी आपसे पूछेंगे, तो ये सब तो ईजी है, ये आप जानते भी होंगे सब, जैसे लेंथ का मीटर हो गया, मास का kg, टाइम का सेकेंड हो गया, करंट का एम्पियर हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया। तो हमने यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे डिराइव यूनिट का। तो देखिए जो डिराइव यूनिट्स है ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड हुए हैं। तो यदि आपको इन सभी का फॉर्मूला यदि याद रहेगा, तो आप इनका जो सिंबल है या जो SI यूनिट होता है तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं, या इसके बाद जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा तो वो इजीली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पे ही सारा ये क्वेश्चन जो भी बेस्ड रहता है। तो पहला आपका देखिए जैसे आपका फोर्स है, तो फोर्स का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए फिजिकल टू एम ए, यानी कि ए फिजिकल टू एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपका मास है, एक्सेलरेशन है, तो मास का देखिए जो आपका मास होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो kg भी मेजर करते हैं, और जो आपका एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन को मेजर किससे करते हैं हम लोग, तो मीटर पर सेकेंड इनवर्स, जो आपका मीटर पर सेकेंड और नीचे -2 रहेगा उसमें, क्योंकि देखिए टाइम रहता है तो वो क्या रहेगा आपका वेलोसिटी का भी रहेगा, और टाइम एक और रहता है तो उसके चलते ये -2 हो जाएगा। तो वो आप जानते होंगे बेसिकली, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आपको ये सब फॉर्मूला आता है और आपको ये यूनिट्स लिखने आता है, हम यहाँ पे बस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला वगैरह है वो आपको मैं दे रहे हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला आपका देखिए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो इसका जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, ये
तो एम बाई सेकेंड का स्क्वायर इन्वर्स होगा इसका। उसके बाद देखिए आपका फिर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का देखिए होता है मीटर, और जो टाइम आपका है तो उसका हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा जो सिंबल होगा। तो यदि आपको फार्मूला याद है तो आप इस सबको इजीली निकाल सकते हैं। फिर आपका देखिए वर्क डन है, तो वर्क डन का क्या होता है, एफ इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ये बेसिकली। तो फिर इसका भी आप उसी तरीके से सिंबल आप निकाल सकते हैं डिराइव करके। तो SI यूनिट देखिए वर्क डन का अगर हम निकाले तो ये वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है इसका एक और SI यूनिट। फिर आपका पावर है, तो पावर का देखिए क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो पावर का क्या हो जाएगा, SI यूनिट वाट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, पावर अपॉन एरिया होता है। उसके बाद आपका प्रेशर है, तो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स का जो भी यूनिट होगा और एरिया का जो भी यूनिट होता है, तो उससे आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको ये सिंबल आ जाएगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा। फिर आपका जो इसका SI यूनिट है वो कौन सा होता है, तो पास्कल होता है। तो ये सारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है कृपया आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको बस नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि आप ये एग्जाम के समय रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए सीखेंगे कि किस तरीके से डायमेंशन फार्मूला लिखा जाता है। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए तीन चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है आपका, पहला आपका हो गया जैसे मास का हो गया, लेंथ का हो गया और टाइम का हो गया। तो यानी कि MLT के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो ये एम आपका क्या होता है, मास होता है, लेंथ क्या होता है, मतलब तो किसी का लेंथ हो गया, और टाइम टी से डिनोट करते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो डायमेंशन फार्मूला हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो एम क्या साइन डिनोट करता है, ये kg का, लेंथ के इस पे मतलब यूनिट होता है इसका तो मीटर का, और टाइम किसका होगा तो सेकेंड का। तो जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे आपको क्या है फोर्स है, तो फोर्स का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है कि मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। और मास का हम जानते हैं कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी होता है। तो मास है और केजी को हम कैसे में डायमेंशन फार्मूला में डिनोट करते हैं, तो एम से करते हैं। तो इसीलिए मास का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो आपका एक्सिलरेशन है, तो एक्सिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हुआ इसका, तो वेलोसिटी का हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है वेलोसिटी का। तो अब जैसे वेलोसिटी का मीटर बाई क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो गया, तो इसका यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड होता है। और इसके बाद जब हम एक्सेलरेशन के निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यानी कि जो पहले से उसका जो वेलोसिटी का होगा उसके साथ टाइम में एक्सेलरेशन का भी आ जाएगा। तो मीटर के लिए लेंथ हो गया, और टाइम के लिए तो देखिए टाइम वेलोसिटी का और एक टाइम इसका एक्सेलरेशन का, तो वो दोनों मिलकर T-2 इनवर्स हो जाएगा इसका। तो इसके लिए देखिए क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला, मास के लिए एम हो गया और लेंथ वाला ये दोनों पार्ट हो गया इसका, तो क्या हो गया M1L1T-2, ये क्या हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो उसी तरीका से देखिए आपका यदि एनर्जी का निकालना होगा तो एनर्जी का क्या होता है फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एनर्जी को वर्क डन भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ये जनरल इसका क्या है डेफिनेशन है एनर्जी का। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था। तो एफ का आप याद रखिएगा, इसका जो स्टैंडर्ड जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, MLT-2। तो ये देखिए एफ यदि याद रहा तो आपको बहुत जगह ये हेल्प करेगा। तो इसलिए आप जो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज़ आपको बहुत सारे जो डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए होगा वो आपको डायरेक्टली पुट करना होगा वहाँ पे। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि जो फोर्स है एनर्जी का जो है, इसमें देखिए जो फोर्स है, फोर्स का हम लोग जानते हैं डायमेंशन फार्मूला MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा यानी कि एल। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है तो मल्टीप्लाई होगा, यदि डिवाइड वाला होगा तो डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का, M1L2T-2। तो ये हो गया इसका एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। तो ये तो मेरा केवल मकसद था कि कैसे लिखा जाता है, बस आप वो चीज़ आपको बताना था।
आपको बस क्या करना है कि फॉर्मूला याद रखना है सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका और उसका SI यूनिट, तो यही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। अब उसके बाद देखिए, जो हम यहाँ पे आपको बस ये कलेक्शन दे दे रहे हैं सारे जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिराइव यूनिट्स हैं, और उसका जो उसका SI यूनिट होता है वो मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो पहला आपका देखिए है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, टेस्ला होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये याद रखिएगा इसका, बस आप फॉर्मूला देख लीजिएगा कि क्या होता है फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक करंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आपका देखिए है काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला 1/2 mv². और यदि यहाँ से हम जैसे कि एम और भी है, इसका हम यदि स्क्वायर ले ले और एम को नीचे ले ले यहाँ पे, क्योंकि एम को अगर ब्रैकेट में रख रहे हैं तो एक एम हम लोग नीचे यहाँ से ले लिए कॉमन करने के लिए, तो m/v ये क्या हो गया आपका मोमेंटम हो जाएगा। तो यदि काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला जो होगा आपका तो क्या हो जाएगा p²/2m। तो जहाँ पर p आपका क्या है, ये मोमेंटम को दर्शा रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा, और इससे भी आप जो इसका SI यूनिट होगा वो आप निकाल सकते हैं, या फिर जो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा वो आप निकाल सकते हैं। फिर आपका देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फार्मूला m·g·h होता है इसका, तो इसे भी आप निकाल सकते हैं। SI यूनिट इसका भी देखिए क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो m·g·h है, तो m मास का क्या हो जाएगा, m है तो मास के लिए क्या लिखते हैं, m लिखते हैं हम लोग। उसके बाद जी है, तो जी का तो क्या होता है ग्रेविटेशनल जो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो वाला फैक्टर होता है, और एच क्या हो गया आपका हाइट होता है। फिर आपका देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि g·m/r². तो इसमें एम देखिए आपका क्या है, ये मास होता है अर्थ का, और जो आर है आपका ये क्या है अर्थ का रेडियस होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि g·m/r². तो इसमें देखिए आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी है, तो जी की मैक्सिमम वैल्यू ये कहाँ होती है, तो पोल पे होगी, और मिनिमम कहाँ होगा इसका, तो इक्वेटर पे होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर आपका देखिए है इसके वेलोसिटी है, तो इसके वेलोसिटी जो होता है आपका वो क्या होता है, तो √2gr होता है, और इसमें देखिए जो आर आपका है वो क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर आपका देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है √gre, ये याद रखिएगा इसका। फिर आपका देखिए यंग मॉडुलस है, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ऐसे जनरली हम बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेन होता है आपका वो चेंज इन लेंथ होता है इसका, यानी कि डेल अपॉन एल होता है। तो इसमें देखिए फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन, एरिया का क्या हो जाएगा आपका ये मीटर हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है कि डेल एल बाई एल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा दोनों को ही। तो क्या आपका इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या होगा इसका, सॉरी जो यूनिट बनेगा वो क्या होगा इसमें, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया इसका, और या तो इसको हम लोग दूसरे CGS यूनिट में मेजर करेंगे तो क्या होगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका याद रखिएगा फॉर्मूला, और जो यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर आपको देखिए सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2π√L/g। तो इसमें एल आपका क्या होता है, ये लेंथ होता है पेंडुलम का। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है तो वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, तो वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करेगा। तो फिर आपका देखिए अगला है वेव स्पीड है, तो वेव स्पीड यानी कि जो वेव का जो स्पीड होता है, तो वो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, यानी कि n·λ हो जाएगा इसका, तो v=n·λ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा कि जो वेव स्पीड होता है वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ होता है। फिर देखिए अगला आपका यहाँ पर इम्पल्स है, तो इम्पल्स क्या होता है ये कि फोर्स इनटू टाइम, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका फोर्स इनटू टाइम होता है। तो
फोर्स का आप जानते हैं क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम के लिए क्या होगा इसका, सेकेंड हो जाएगा। तो यदि हम इसका जो डायमेंशन फार्मूला है अगर निकालें हम, तो देखिए फोर्स के लिए तो पहले आप देख चुके हैं क्या होता है कि केजी मीटर अपॉन में ये सेकेंड इनवर्स होता है इसका। तो वहीं से यदि आप देखिएगा इसका जो ऐसा यूनिट निकालने के लिए या फिर इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना होगा, तो क्या होगा केजी के लिए आपका क्या है यहाँ पे एम हो जाएगा, और जो आपका यहाँ पर मीटर लेंथ है इसका तो मीटर के लिए लेंथ हो जाएगा, और जो टाइम आपका है तो फोर्स का देखिए इसमें एक सेकेंड इनवर्स नीचे रहता है और एक टाइम ऊपर है, तो दोनों कट जाएगा, तो एक वैल्यू कट जाएगा टाइम का, तो क्या होगा सिर्फ टी माइनस वन बचेगा इसका। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा इम्पल्स का वो क्या होगा, तो एम वन एल वन टी इनवर्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा इसका। देखिए ये आप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, मेरा इसमें मकसद क्या है कि बस आपको फार्मूला प्रोवाइड कर देना एक जगह, ताकि आप इसको नोट्स की तरह देख लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, तो इस सब का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इम्पल्स का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो सारा कुछ कराते हैं, बट टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आप लोग फार्मूला का जो क्या क्या फार्मूला होता है उसका वो सब याद रखिएगा। फिर आपको देखिए अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि एम इंटू आर स्क्वायर, तो एम आपका क्या यहाँ पर है, ये मास होता है आपका, और जो आर आपका क्या है, ये रेडियस है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होगा, तो मास का केजी हो जाएगा और जो रेडियस है, तो रेडियस बेसिकली क्या होता है, रेडियस होता है तो व्हील का जो मतलब व्हील का ही होता है, तो वो क्या होगा उसका लेंथ से ही मेजर करेंगे हम, तो इसलिए इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा वो क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर होगा। और यदि डायमेंशन फार्मूला यदि हम इसका लिखे, तो केजी के लिए एम होता है, मास के लिए क्या होता है एम लिखते हैं हम लोग, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं एल स्क्वायर होगा, और इसमें टाइम है नहीं तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे, कोई भी नहीं है तो टी जीरो करके दिखा सकते हैं हम, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा तो वो क्या होगा कि एम एल टू टी जीरो, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला। फिर अगला हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन का, तो देखिए जो सरफेस टेंशन होता है इसका जो फार्मूला क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन क्या हो गया फार्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब फोर्स का देखिए न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, और लेंथ का मीटर होता है, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इसी को यदि हम डायमेंशन फार्मूला में लिखे, तो देखिए फोर्स का हम लोग पहले भी आपको बताए थे कि इसका याद रखिएगा, डायरेक्ट ये आता है एग्जाम में, मतलब डायरेक्ट आपको यूज़ करने में ईजी होगा, तो इसका क्या होता है कि एम एल टी माइनस टू, और नीचे एल है तो एल एल कट जाएगा, तो क्या होगा इसका एम टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा इस सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला। फिर आपका देखिए है अगला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है आपका, तो ये क्या होता है एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, तो ये देखिए आपको कैसे आता है कि जो आपका फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसी से ही हम लोग वहीं से निकाले हुए हैं, जैसे फोर्स क्या होता है आपका कि एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और इस जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है जी का वैल्यू आता है वहाँ पर, तो वही जी आपका क्या है यहीं से डिराइव किए हुए फार्मूला, तो जी का क्या होता है एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन इंटू एम टू। अब यहाँ पे देखिए फोर्स है, तो फोर्स का आप निकाल सकते हैं यूनिट वो क्या होता है उसका, और रेडियस है आपका आर स्क्वायर है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका ये एम वन इंटू एम टू है तो ये मास होता है, मास का क्या हो जाएगा के जी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। तो आपका देखिए फोर्स है, तो फोर्स के लिए क्या होता था कि एम एल टी माइनस टू, और आपका जो रेडियस है यहाँ पे तो रेडियस का आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का लेंथ के लिए क्या होगा एल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे के जी दो मास है तो मास मल्टीप्लाई हुआ तो दो हो गया एम स्क्वायर हो गया, तो इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट हो ये डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या होगा इसका, तो एम क्योंकि नीचे दो एम है नीचे एक एक ऊपर एम है, तो क्या होगा एम माइनस वन और एल थ्री और टी माइनस टू, तो ये क्या हो गया इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला हो गया। फिर आपका देखिए अगला है आपका एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लीजिए अपॉन टाइम हो गया, यानी कि इसको सेकेंड में मेजर करते हैं हम लोग, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड या एंगुलर डिस्टेंस पर सेकेंड दोनों एक ही रहेगा,
तो इसका देखिए जो यूनिट होता है क्या होता है वो, तो देखिए ये सिंस जो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ये रेडियन में मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, तो ये याद रखिएगा इसका। तो इसका जो जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो क्या होता है कि ये हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, तो वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है, तो सिर्फ आपका नीचे वाला सेकेंड रहेगा, तो इसीलिए जो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा इसका ऐसा यूनिट, तो सेकेंड इनवर्स होगा और T-1 होगा इसका, तो इस बात का याद रखिएगा आप। फिर आपका देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये बस आप फार्मूला ही याद रखिएगा, और इससे कैसे डिराइव होता है ऐसा यूनिट वो आप याद रखिएगा। अब फाइनली देखिए आप टेबल को याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है कि जैसे आपसे पूछता है इसमें कि जैसे कि कौन सा ऐसा दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेंथ हो गया, डेप्थ हो गया, आपका थिकनेस हो गया, वेवलेंथ हो गया, तो इन सारे का क्या होता है जो डायमेंशन फार्मूला होगा क्या होगा, सिर्फ लेंथ ही रहता है ये सारे चीज़ों में, तो इसलिए M0, L1 और T0। तो अब डायरेक्टली याद रखिएगा ये सबका कि जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, डेप्थ है, थिकनेस है, इन सब का जो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है सेम होता है। फिर आपका अगला देखिए मास है, इनर्शिया है, इनर्शियल मास है और ग्रेविटेशनल मास है, तो इन सभी का जो ऐसा जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो भी सेम होता है। फिर आपका देखिए अगला है स्पीड है और वेलोसिटी का, इसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, ये सब आप डिराइव करके निकालिएगा तो वो आ जाएगा इजीली। फिर आपका देखिए अगला है एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका भी सेम ही होता है। फिर आपका है एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो इसका भी सेम होगा। बस आप ये सब याद रखिएगा, क्योंकि आप याद नहीं भी रख सकते हैं, तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप डिराइव करके भी आप वो निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कोई वैसा चीज़ नहीं है। फिर आपका देखिए फोर्स हो गया, वेट हो गया, टेंशन हो गया, सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है सेम होता है। फिर देखिए आपका वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है और मोमेंट ऑफ कपल है आपका, तो ये सब का भी क्या होता है सेम ही होता है। फिर इसके बाद देखिए आपको लीनियर मोमेंटम है, इम्पल्स है, इसका भी सेम होता है, सरफेस टेंशन का तो एक ही यूनिट है। फिर प्रेशर है आपका और यंग मॉडुलस है और स्ट्रेस है, तो इन सभी का क्या होता है जो डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो ये आप जो टेबल है इसमें आप एक बार देख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। फिर देखिए इसके अलावा जो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें देखिए आपका है कि जैसे 1 kg बराबर कितना होता है, तो वो कितना होगा आपका 2.205 पाउंड होगा, और 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 10,000 m² हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा इनका। अब देखिए कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये यूनिट थे पहले हमने जो डिस्कस किया वो सब स्मॉलर क्वांटिटी का था, लेकिन अगर यदि हम लास्ट डिस्टेंस का जो यदि हम यूनिट देखें तो उसका क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए पहला आपका है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि ये यूनिट किसका है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन का क्या होता है, ये एक यूनिट होता है, तो ये याद रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये किसका है, तो ये यूनिट है किसका, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ का होता है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.495 × 10⁻¹ m, तो ये याद रखिएगा। फिर आपका अगला है लाइट ईयर है, तो लाइट ईयर क्या होता है ये, कि इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी कि जितना भी डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करता है एक साल में उसी क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर का कितना वैल्यू होता है, तो 9.46 × 10⁻¹ m होता है, तो ये याद रखिएगा। फिर आपका अगला देखिए है पार्सेक है, तो पार्सेक क्या होता है, ये लार्जेस्ट मेजर ऑफ ए डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस का जितना भी यूनिट होता है मेजर करने का, तो सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होता है वो कौन सा आपका है, तो पार्सेक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट यूनिट जो मेजर करते हैं डिस्टेंस का तो वो कौन सा होता है, तो पार्सेक होगा, तो 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.0 × 10⁻¹ m होता है, और इसको दूसरे टर्म में लिखेंगे कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है, तो 3.26 लाइट ईयर होता है। तो थैंक यू दोस्तों, देखिए
जितना भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स से जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज या जो भी नोट्स प्रोवाइड करना था आपको, मैंने आपको कर दिया। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा क्या है कि थोड़ा डिस्क्राइब करने की होती है, बट क्या है कि टाइम बहुत कम है तो हमें समय उतना नहीं है हमारे पास। तो आपको बस क्या कहते, फार्मूला इम्पोर्टेंट जितने भी बन सकते थे वो मैंने आपको दे दिया। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।